हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल पटना का प्री बोर्ड क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। सब्जेक्ट है साइंस का। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोगों का होता है साइंस का, वो आप लोगों का जो थ्योरी होता है वो 80 मार्क्स का कंडक्ट होता है और 20 मार्क्स का जो है वो आप लोगों का प्रैक्टिकल कंडक्ट होता है। तो ये जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको टाइम अलॉट किया जाता है 3 आवर्स का, जैसा आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन देने से पहले एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस शो करती हूँ जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सारे क्वेश्चंस को अगर मैं आप लोगों को शो करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है और सेकेंड वाला भी जो है वो 1 मार्क्स का है, देख सकते हैं आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वहाँ पे देख भी सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा भी गया है। 3 मार्क्स का है ये। या तो आप ये लिख सकते हो या फिर आप ये लिख सकते हो कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड डजंट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। IUPAC नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 11th में साइंस लेने का मन है फ्रेंड्स, तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। IUPAC नेम कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में नहीं देखा है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, इसका मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया भी गया है। इस तरीके के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, गिव रीज़न भी आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टोटल जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है 27, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी ये सोलेनॉइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे चीज़ इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोबिक एनारोबिक भी इम्पॉर्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन बहुत मैंने पहले अपलोड भी किया था, बहुत बच्चों ने देखा भी है अभी तक। स्पाइग्मोमैनोमीटर इसको हम लोग बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। ओके, सो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, जो ये सारे जो हैं वो 5 मार्क्स के हैं। यहाँ पे भी आपसे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। स्नेल्स लॉ मैंने आप लोगों को बताया था इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये टोटली 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 19, 18 एंड क्वेश्चन नंबर 17 भी 5 मार्क्स का है। तो बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करिएगा, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पूरा लिखना होगा जिससे कि लगे कि हाँ मैंने 5 मार्क्स जितना लिखा है, और तभी टीचर को भी लगे हाँ इस बच्चे ने 5 मार्क्स जितना लिखा है, तभी मैं इसको पूरा पूरा नंबर दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज़ आपको लिखना है ACT के सेट का, सब मैंने आप लोगों को रिवीजन ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन पेपर रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल पटना का, जो कि मैंने आप लोगों के लिए आज बताया है। एंड अगर आप चाहोगे और क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर दूंगी, आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, आप चाहते हो कि क्लास 10 से रिलेटेड मैं कुछ भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, तो मैं श्योरली आप लोगों के लिए बना दूँगी, आप बस कमेंट कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।